चलिए बात करेंगे लखनऊ मेट्रो की। इसके उद्घाटन के मौके पर सीएम और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन की तारीफ के पुलिंदे बांधे, लेकिन जब बटन दबाने की बारी आई तो श्रीधरन काफी पीछे छूट गए और माननीय लाइट कैमरा देखकर बटन दबा गए। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। ये शाश्वत सत्य है कि नींव की ईंट को कभी महल का क्रेडिट नहीं मिलता, तारीफ हमेशा कंगूरे की होती है। लखनऊ में मेट्रो चली तो सियासी संग्राम छिड़ गया शेयर लेने के लिए, लेकिन उस सिविल इंजीनियर को सब भूल गए जिसकी कड़ी मेहनत और सोच एक सपने को धरातल पर लाने में लगी थी। भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया एक अनुपम तोहफा, जिसे आप वरदान कह सकते हैं, जो आज से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। सालों का प्रोजेक्ट मात्र 30 सेकंड में लखनऊ की जनता को समर्पित हो गया। देश के गृह मंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को कुर्सियों से उठने में, मेट्रो का बटन दबाने में और वापस वहीं बैठ जाने में मात्र 30 सेकंड लगे। इसी बीच कई और नेता और मंत्री और अधिकारी फ्रेम में आने के लिए फड़फड़ाने लगे, कैमरे के सामने आने के लिए रिमोट की तरफ दूसरों को धकेलते हुए पढ़ने लगे। लखनऊ मेट्रो रेल का शुभारंभ करें। लेकिन इसी दौरान एक शख्स और था जो फ्रेम के करीब होने के बाद पीछे छूटता चला गया। उसे जरा भी जल्दी नहीं थी फोटो खिंचवाने की, जल्दी थी तो बस मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा करने की। बात कर रहे हैं मेट्रो मैन के नाम से मशहूर और लखनऊ मेट्रो के मुख्य सलाहकार इंजीनियर श्रीधरन। उद्घाटन के वक्त श्रीधरन उस जगह के बहुत करीब थे जहां उद्घाटन होना था, लेकिन सियासत तो हमेशा मेहनत को छुटलाती है और अपने नाम की पट्टी लगाती है। मंच पर फोटो खिंचाने की दौड़ थी और मेट्रो मैन पीछे होते गए, उन्हें आगे आने की फिक्र भी नहीं थी। थोड़ी देर में वो फ्रेम से गायब हो गए और उस जगह पहुंच गए जहां उनसे पीछे कोई नहीं था। उनसे आगे कई वो लोग थे जिन्हें सरकार बदलने से पहले मेट्रो से कोई सरोकार भी नहीं था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई और कई लोग सरकार की आलोचना करने लगे। आपको बता दें कि लखनऊ मेट्रो के मुख्य सलाहकार मेट्रो मैन इंजीनियर श्रीधरन एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर है। वो 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे। दिल्ली मेट्रो के निर्माण की कुशलता ने उन्हें बड़ी ख्याति दिलवाई। श्रीधरन की खासियत है कि वो जिस प्रोजेक्ट को हाथ में ले लेते हैं उसे समय से पूरा करते हैं। उन्होंने लखनऊ मेट्रो का काम 1 दिसंबर 2016 तक पूरा करने का दावा किया था और इस तारीख पर ट्रायल रन शुरू हो गया। महज 3 साल के भीतर कमर्शियल रन शुरू करवा कर उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया। फ्रेम में आने की होड़ ने उन्हें भले पीछे धकेल दिया, लेकिन नींव की ईंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।